चलिए तो सबसे पहले हम लोग जो है वो कल के क्लास में देखेंगे कि क्या क्या पढ़ चुके हैं और फिर हम लोग उससे आगे की ओर चलेंगे। तो सबसे आवाज आएगी, हल्ला मत कीजिए, चुपचाप रहिए, बस हल्ला मत कीजिए तो पिट जाइएगा। तो चलिए इसमें हम लोग एक एक करके सारे पॉइंट्स को देखेंगे। सबसे पहले हम लोग कल के क्लास में जितना भी ह्यूमन इवोल्यूशन से रिलेटेड पॉइंट था उसको हम लोग देख चुके थे। सबसे पहले हम लोग एप्स लाइक फॉसिल्स को देखे थे और एप्स लाइक फॉसिल्स को देखने के बाद हम लोग आगे चले थे और जिसमें ह्यूमन और एप्स लाइक फॉसिल्स को देखे, उसके बाद फिर हम लोग ह्यूमन फॉसिल्स के बारे में देख रहे थे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसमें एप्स फॉसिल्स के पॉइंट्स को डिस्कस किए थे, जिसमें सबसे पहले जो एप्स लाइक फॉसिल्स था उसमें ड्रायोपिथेकस आया था। क्या आया था? ड्रायोपिथेकस है कि नहीं? ड्रायोपिथेकस के बाद जो है हम लोग देखें वो रेमापिथेकस आया था, है कि नहीं? उसके बाद नेक्स्ट हम लोग जो देखे वो सीबापिथेकस था और फिर केनियापिथेकस था। मेरे बच्चों, सारे पॉइंट्स को एक एक करके हम लोग डिस्कस किए थे। क्वेश्चंस किससे पूछा जा सकता है और किस किस पॉइंट से क्वेश्चंस आएगा, इसको भी हम लोग डिस्कस कर चुके थे। इसके डिटेल में सारे पॉइंट्स को हम लोग लिखवा चुके थे कि ड्रायोपिथेकस के बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था उसको भी हम लोग देख चुके थे। और ड्रायोपिथेकस के बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो इट इज कंसिडर्ड एज कॉमन एंसेस्टर्स ऑफ मैन एंड एप्स, देख चुके थे मेरे बच्चों। उसके बाद हम लोग एप मैन फॉसिल्स ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बारे में कल के क्लास में देखे थे। उससे आगे चलें और हम लोग प्री हिस्टोरिक मैन के बारे में देख रहे थे। किसके बारे में देख रहे थे? प्री हिस्टोरिक मैन के बारे में देख रहे थे। और प्री हिस्टोरिक मैन को जब हम लोग देखें तो सबसे पहले हम लोग होमो हैबिलस के बारे में देखे थे। क्या देखे थे? होमो हैबिलस के बारे में देखे थे। नेक्स्ट हम लोग होमो इरेक्टस के बारे में देखे थे और फिर उससे आगे चलें तो हम लोग होमो सेपियंस के बारे में देखे थे। तो इसमें सबसे पहले होमो हैबिलस वाले पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। होमो हैबिलस से रिलेटेड सारे पॉइंट्स को हम लोग देखे हैं कि फर्स्ट ह्यूमन लाइक बीइंग है, उसके बाद फर्स्ट मैन हु मेड टूल्स ऑफ स्टोन्स, इसको भी मेरे बच्चों हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग आगे की ओर चलें तो होमो इरेक्टस को देखें। होमो इरेक्टस को देखने के बाद हम लोग सबसे पहले होमो इरेक्टस में जावा मैन को देखें, है कि नहीं? जावा के बाद क्या आएगा? जावा के बाद पीकिंग मैन, और मेरे बच्चों पीकिंग के बाद हिडलबर्ग मैन। तो इससे रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग डिस्कस कर चुके थे, कहीं पर किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया? तो होमो हैबिलस, उसके बाद होमो इरेक्टस से रिलेटेड पॉइंट्स को हम लोग, लो मोबाइल चलाता रहेगा, छोड़ दीजिए, हम कुछ नहीं कहते हैं, फी जमा है, अब छोड़ दीजिए, रहने दीजिए। मतलब अगर वो लोग अपने को, अपने करियर को नहीं बनाना चाहता है, मोबाइल चलाना चाहता है पीछे में, तो टीचर के पास लिमिटेड टाइम होता है। आप कमेंट में देखिएगा, बहुत सारे बच्चे लिख देते हैं कि सर आपके बैच में मोबाइल, अरे भाई मोबाइल चलाना तो हम पढ़ाएंगे कि पीछे पीछे सबका जेब और हाथ, जो खुद नहीं समझ रहे अपने फ्यूचर को लेकर के कॉन्शियस नहीं है उसको कौन समझा सकता, ये सिंपल सी बात है। तो इस तरह के कमेंट से अगर कोई आपसे टीचर करवाते हैं कि उसके क्लास में मोबाइल चलाता, तो सिंपल उसको समझाइए कि भाई टीचर्स के पास लिमिटेड टाइम है, उसमें उसको कोर्स भी लेकर के चलना है, फी भी कलेक्शंस करवाना है, बच्चे मोबाइल चलवा रहे हैं तो उसमें टीचर्स क्या करेगा, पीछे जा करके देखेगा क्या? खुद ही समझना चाहिए। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट इसको डिस्कस करेंगे, और सबसे पहले होमो इरेक्टस के जावा मैन, पीकिंग मैन और हिडलबर्ग मैन, इसको हम लोग खत्म कर चुके थे। आज के क्लास में होमो सेपियंस के तीन सब स्पीसीज को देखना है, जो नियनडर्थल मैन है, क्रोमैग्नन मैन है और होमो सेपियंस सेपियंस है जिसमें हम लोग आते हैं। समझे कि नहीं समझे? तो होमो सेपियंस के तीन सब स्पीसीज को देखना है, ये आज का लास्ट टॉपिक है, इस चैप्टर का भी लास्ट टॉपिक है। समझे कि नहीं समझे? तो मेरे बच्चों सबसे पहले हेडिंग दीजिए और लिखिए होमो सेपियंस, लिखिए मेरे बच्चों होमो सेपियंस, होमो सेपियंस, होमो सेपियंस, होमो सेपियंस, होमो सेपियंस। तो सबसे पहले मेरे बच्चों होमो सेपियंस के पॉइंट्स को देखिए और होमो सेपियंस में सबसे पहले पॉइंट्स को लिखिए कि मेनी
मेनी सब स्पीसीज आर, मेनी सब स्पीसीज, मेनी सब स्पीसीज आर डिस्कवर्ड ऑफ होमोसेपियंस। मेरे बच्चों, सबसे पहला सब स्पीसीज क्या है? सबसे पहला जो सब स्पीसीज है वो है नियंडरथल मैन। कोई दिक्कत है मेरे बच्चों? तो नियंडरथल मैन नाम किस पर दिए? तो नियंडरथल वैली है जर्मनी में, वहां पर इसका फॉसिल्स मिला, इसलिए अपन इसको क्या बोल रहे हैं? नियंडरथल मैन बोल रहे हैं। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत है मेरे बच्चों समझने में? तो सबसे पहला पॉइंट हेडिंग देकर के लिखिए नियंडरथल मैन। इसमें पहला पॉइंट लिखिए मेरे बच्चों, they lived near east and central asia between 1,40,000 years back, between 1,40,000 years back, fossils was discovered by Fulhorot, साइंटिस्ट का नाम है मेरे बच्चों, इन नियंडरथल वैली ऑफ जर्मनी। नेक्स्ट पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है they had a brain size of 1400 cc ब्रैकेट में लिखिएगा same as modern man। मेरे बच्चों आगे लिखिए they used hides to protect their body। मतलब एनिमल के स्किन को यूज करके वो अपने बॉडी को प्रोटेक्ट करता था। कोई दिक्कत है मेरे बच्चों समझने में? नेक्स्ट पॉइंट लिखिए they buried their dead। यहीं से शुरू हुआ, पहले मरे हुए लोगों को दफनाया नहीं जा रहा था। कहां से शुरू हुआ है? नियंडरथल मैन से। तो लिखिए मेरे बच्चों they buried their dead and probably believed in immortality of soul। आत्मा अमर है, इसका कॉन्सेप्ट कहां से शुरू हुआ?
नियंडरथल मैन से। समझ रहे हैं ना, कोई दिक्कत है मेरे बच्चों? नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, दे लिव्ड इन हट्स एंड ओमनीवोरस बाय नेचर, ओमनीवोरस बाय नेचर। किस नेचर का है मेरे बच्चों? ओमनीवोरस। समझ गए ना किस नेचर का है? ओमनीवोरस। तो इसके पॉइंट्स को याद रखिएगा कि सबसे पहले इसका जो मिला वो कहां पर? नियंडरथल वैली में। कोई दिक्कत है मेरे बच्चों? ब्रेन साइज जो है वो 1400 सीसी है। उसके बाद जो है ये यूज करता है स्किन को, एनिमल के स्किन को, टू प्रोटेक्ट देयर ओन बॉडी। समझ में आया? नेक्स्ट हम लोग आगे गए और ये बताएं कि दे बरीड देयर डेड, प्रोबेबली बोल रहे हैं, है कि नहीं। उसके बाद जो है दे लिव्ड इन हट्स एंड ओमनीवोरस। और मेरे बच्चों लास्ट जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, development of speech and language center started। कोई दिक्कत है मेरे बच्चों? तो ये कौन है सब स्पीसीज, किसका? नियंडरथल मैन का सब स्पीसीज नहीं है, होमो सेपियंस का सब स्पीसीज है। समझ रहे हैं ना? एग्जाम का समय नजदीक आता जा रहा, तो जितना ज्यादा नजदीक आता जा रहा पढ़ाई को लेकर के उतना कंसस होइए। अभी भी समय गुजरा नहीं है, समझ रहे हैं ना? अभी भी पढ़ना शुरू कीजिएगा तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा कर पाइएगा। समझ रहे हैं? सब चीज को मैनेज करके, अभी हम लोग इससे पहले वाले टॉपिक में डार्विन के थियोरी को पढ़े। ओवर प्रोडक्शन लगेगा कि कितना सारा बच्चा पढ़ रहा है, मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, इस चीजों में आप खोए रहिएगा, है कि नहीं। ओवर प्रोडक्शन के बाद क्या है? सर्वाइवल फॉर री एग्जिस्टेंस। समझ रहे हैं ना? जो एग्जिस्टेंस के लिए वो फाइट करेगा, समझ रहे हैं। उसके बाद तीसरा क्या? नेचुरल सिलेक्शन, नेचर उसके बाद सेलेक्ट करता था। परेशानी आ रही, कभी बीच में एग्जाम आ जा रहा है, कभी वर्षा आ रही है, समझ रहे हैं, कभी भावना जा रही है, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। कहाँ है? इधर इधर एकदम फोकस रहिए, आना जाना लगा रहेगा, लेकिन जो चीज है मेनली फोकस, उसको फोकस करके पढ़ना होगा। आपके साथ समस्या आती है कि नहीं, तो आप कैसे डील करते हैं? हमारे साथ समस्या आती है तो हम कैसे डील करते हैं? फर्क है दोनों में। क्लास डिस्टर्ब ना हो, उसको पूरा ऑनलाइन करना पड़ा, एक भी बच्चा का डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, समझ रहे हैं ना। बाकी पढ़ने का हम अपने तरफ से 110% कोशिश करते हैं कि किसी भी बच्चे का डिस्टर्ब ना हो, लेकिन आप नहीं पढ़ना चाहिएगा, दुनिया का कोई शक्ति आपको नहीं पढ़ा सकता। हम अपने प्रॉब्लम को ऐसे करते हैं कि अगर बच्चे 2-4 दिन 5 दिन छूटेगा तो उनका बर्डन बढ़ेगा, वो कहीं भी बाद में भी उस लेक्चर्स को देख सकते हैं, समझ रहे हैं। लेकिन बच्चा पढ़ना नहीं चाहेगा, सिर्फ इधर से उधर घूमता रहेगा। चलिए मेरे बच्चों, तो इस पॉइंट्स को लिख चुके हैं। नेक्स्ट जो आएगा वो क्रोमैग्नन मैन आएगा, है कि नहीं। तो मेरे बच्चों, तो आपका क्वेश्चन होगा कि क्रोमैग्नन नाम है तो क्रोमैग्नन रॉक फ्रांस में, वहां से मेरे बच्चों इसका क्या मिला है? फॉसिल्स मिला, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? क्रोमैग्नन मैन बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? क्रोमैग्नन मैन। तो लिखिए मेरे बच्चों, हेडिंग दीजिए और लिखिए इसमें क्रोमैग्नन मैन। लिखिए मेरे बच्चों इसमें, सबसे पहले क्रोमैग्नन में लिखिए होमोसेपियंस फॉसिल्स। हम लोग होमोसेपियंस सेपियंस हैं, समझ रहे हैं ना। क्रोमैग्नन होमोसेपियंस फॉसिल्स। तो मेरे बच्चों क्रोमैग्नन में हम लोगों को जो सबसे पहला पॉइंट लिखना है, लिखिए ओरिजिन एंड इवोल्यूशन 50,000 टू 50,000 टू
50,000 to 10,000 years back. Origin and evolution 50,000 to 10,000 years ago. Years ago. Years ago. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए मेरे बच्चों, फॉसिल्स डिस्कवर्ड बाय ठीक है, फॉसिल्स डिस्कवर्ड बाय मैक फ्रॉम क्रोमैग्नन रॉक ऑफ फ्रांस. क्रो मैग्नन रॉक ऑफ फ्रांस. मेरे बच्चों, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है इसका क्रेनियल कैपेसिटी. जितना भी ह्यूमन है, नियंडरथल, क्रोमैग्नन और हम लोग होमो सैपियंस सैपियंस, उसमें सबसे ज्यादा ब्रेन कैपेसिटी क्रोमैग्नन के पास था. ठीक है ना, हम लोगों का मैक्सिमम 1600 तक है, यहाँ 1650 सीसी है. तो ये बात याद रखिएगा, है कि नहीं. तीनों में सबसे ज्यादा जो ब्रेन का कैपेसिटी है मेरे बच्चों, वो किसका है? क्रोमैग्नन का. किसका है? क्रोमैग्नन का. कोई दिक्कत है समझने में? इस पॉइंट्स को हम लोग देखें, उस पर स्टार लगा के लिखिए, दे हैड ए क्रेनियल कैपेसिटी ऑफ 1650 सीसी. ठीक है मेरे बच्चों, इसमें क्या, इसका 1650 जो है वो मैक्सिमम है क्रेनियल कैपेसिटी. एग्जाम में आएगा क्वेश्चंस, है कि नहीं, विच सब स्पीसीज हैव मैक्सिमम क्रेनियल कैपेसिटी. ऑप्शंस में क्रोमैग्नन होगा, आप अपने दिमाग से होमो सैपियंस सैपियंस लगाइएगा, गलत होगा. अगर होमो सैपियंस भी होगा ऑप्शन में तो होमो सैपियंस भी करेक्ट आंसर है. समझ रहे हैं हम लोग क्या हैं? होमो सैपियंस सैपियंस. समझ रहे हैं ना? होमो सैपियंस सैपियंस. इधर क्या है? होमो सैपियंस. कोई दिक्कत है मेरे बच्चों समझने में? नेक्स्ट पॉइंट है, दे लिव्ड इन केव्स एंड ओमनीवोरस बाय नेचर. दे लिव्ड इन केव्स एंड ओमनीवोरस बाय नेचर. ओमनीवोरस बाय नेचर. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए मेरे बच्चों, they had larger forehead and well developed chin. मेरे बच्चों, इसमें जो है पॉइंट लिखिए, speech and language center where well developed in them. जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इससे रिलेटेड, इसको हम लोग देखें. और इसका लास्ट पॉइंट लिखिए मेरे बच्चों, This man was hunter and used domesticated dog in hunting. समझ रहे हैं मेरे बच्चों? तो आदमी या कुत्ता का रिलेशन कब है? पुराना. समझ रहे हैं? This man was hunter and used domesticated dogs in hunting. लेकिन वफादारी में आदमी से ज्यादा. समझ रहे हैं? आदमी जिसको सहयोग कीजिए, जिसको खड़ा कीजिए, वो सबसे पहले अगर काटेगा तो आपको काटेगा. लेकिन कुत्ता जिसको पालिए रखिए, बिरले कुत्ता होगा जो आपको काटेगा. समझ रहे हैं मेरे बच्चों? तो आदमी और कुत्ते में बेसिक फर्क यही है. आदमी एहसान को भूल जाता है,
कुत्ता एहसान जिंदगी भर याद रखता। नेक्स्ट जो है मेरे बच्चों, तो दे ऑल्सो पेंटेड, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए मेरे बच्चों, दे ऑल्सो पेंटेड, दे ऑल्सो पेंटेड, दे ऑल्सो पेंटेड ब्यूटीफुल पेंटिंग, दे ऑल्सो पेंटेड ब्यूटीफुल पेंटिंग ऑन केव वॉल्स, ऑन केव वॉल्स, ऑन केव वॉल्स। समझ रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत है क्या समझने में, है कि नहीं? देखिए ये टॉपिक है हिस्ट्री का, ह्यूमन इवोल्यूशन में पढ़ना है तो पढ़ाना भी है, समझ रहे हैं ना? और इससे शॉर्ट नोट्स, ब्रीफ नोट्स, किसी का भी अगर दो नंबर में पूछता तो किसी एक के बारे में लिखने दे देता, जैसे क्रोमैग्नन के बारे में लिखिए, समझ रहे हैं कि नहीं, नियंडरथैलिस के बारे में लिखिए, और राइट अ ब्रीफ नोट्स ऑन ह्यूमन इवोल्यूशन अगर पांच नंबर का दे देता है तो पूरा लिखना होता, समझ रहे हैं ना? तो एक दो बार चार बार पढ़ाए भी हैं और इसको याद भी करवाएं, मेन आपको नाम याद करने में होता, समझ रहे हैं ना? तो नाम तो हम बार बार क्लास में आपको बोल बोल करके याद करवा दिए हैं, उसका फीचर्स दो चार बार देखिएगा, ब्रेन कैपेसिटी देखिएगा, मैक्सिमम जो है उससे रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स को देखिएगा मेरे बच्चों, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। और लास्ट जो है जल्दी से लिखिए, जल्दी से लिखिए मेरे बच्चों, मॉडर्न मैन, मॉडर्न मैन, मॉडर्न मैन, मॉडर्न मैन, ब्रैकेट में लिखिए होमो सैपियंस सैपियंस, होमो सैपियंस सैपियंस, होमो सैपियंस सैपियंस, होमो सैपियंस सैपियंस, होमो सैपियंस सैपियंस। तो मेरे बच्चों सबसे पहले हमको इससे रिलेटेड पॉइंट्स को देखना होगा, तो लिखिए ड्यूरिंग, ड्यूरिंग आइस एज बिटवीन, ड्यूरिंग आइस एज बिटवीन 75,000 to 10,000, ड्यूरिंग आइस एज बिटवीन 75,000 to 10,000 ईयर्स अगो मॉडर्न होमोसेपियंस अरोज, मॉडर्न होमोसेपियंस अरोज, समझ रहे हैं ना? ये है मॉडर्न क्या, होमोसेपियंस, जिसमें हम लोग आते हैं, होमोसेपियंस सेपियंस, दिखने में तो स्मार्ट हैं लेकिन दिमाग में गोबर है। चलिए मेरे बच्चों नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इट रोज, इट अरोज इन, इट अरोज इन अफ्रीका, इट अरोज इन, इट अरोज इन अफ्रीका, इट अरोज इन अफ्रीका एंड मूव अक्रॉस, एंड मूव अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स, एंड मूव अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स एंड डेवलप्ड इनटू, एंड डेवलप्ड इनटू, एंड डेवलप्ड इनटू डिस्टिंक्ट रेसेस, एंड डेवलप्ड इनटू डिस्टिंक्ट रेसेस, एंड डेवलप्ड इनटू क्या, डिस्टिंक्ट रेसेस, मतलब अलग अलग रेसेस में मेरे बच्चों क्या हुआ है, डेवलप्ड हुआ है, इस है ना? नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, तो लिखिए दिस इज द मैन ऑफ टुडे हैविंग अ ब्रेन कैपेसिटी ऑफ 1300 to 1600 cc, है ना? दिस इज द मैन ऑफ टुडे, तो क्रेनियल कैपेसिटी पूरे ह्यूमन इवोल्यूशन में सबसे ज्यादा किसका था आराध्या, सबसे ज्यादा किसका, क्या क्या करते रहते हैं, आंख एकदम नागिन टाइप रखे रहते हैं, दिमाग है तो आंसर दीजिए मेरे बच्चों, दिस इज द मैन ऑफ टुडे हैविंग अ ब्रेन कैपेसिटी ऑफ 1300 to 1600, ब्रैकेट में लिखिए एवरेज, एवरेज, एवरेज 1450 है मेरे बच्चों। किसी को कोई दिक्कत है, किसी तरह की परेशानी है तो डिस्कस कर सकते हैं, है कि नहीं? नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इट इज ओमनीवेरस बाय नेचर, इट इज ओमनीवोरस बाय नेचर, इट इज ओमनीवोरस बाय नेचर, इट इज ओमनीवोरस बाय नेचर, ठीक है। और एक और पॉइंट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है एग्रीकल्चर, तो लिखिए मेरे बच्चों, एग्रीकल्चर वॉज ऑल्सो स्टार्टेड बाय दिस मैन, एग्रीकल्चर वॉज also started by this man,
एग्रीकल्चर वॉज ऑल्सो स्टार्टेड बाई दिस मैन, ठीक है? और लिखिए एग्रीकल्चर केम अराउंड, एग्रीकल्चर केम अराउंड, एग्रीकल्चर केम अराउंड, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर। संभव क्लास नहीं आया है ना, एकदम कमेंट भरा हुआ, जय श्री राम, जय श्री राम। चलिए तो सबसे पहले नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग देखेंगे, और एग्रीकल्चर केम अराउंड, एग्रीकल्चर उसका दोस्त जो है वो संस्कृति का भाई। हाँ आया, चलिए लड़का ठीक है, पढ़ने में स्मार्ट भी है, पढ़ता भी है। चलिए एग्रीकल्चर केम अराउंड 10,000 ईयर्स बैक। बैट देखिए, हल्ला मत कीजिए मेरे बच्चों, मिलाइए। एग्रीकल्चर वॉज ऑल्सो स्टार्टेड बाई दिस मैन, एग्रीकल्चर केम अराउंड 10,000 ईयर बैक, एंड ह्यूमन सेटलमेंट, एंड 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 ह्यूमन सेटलमेंट स्टार्टेड, एंड ह्यूमन सेटलमेंट स्टार्टेड, एंड ह्यूमन सेटलमेंट स्टार्टेड। तो मेरे बच्चों, ह्यूमन एक साथ रहना, एक जगह जो कॉलोनी बना करके रहना शुरू किया है, समझ रहे हैं ना, वो एग्रीकल्चर के डिस्कवर होने के बाद। तो एग्रीकल्चर कहां से शुरू हुआ है मेरे बच्चों? होमो सेपियन सेपियंस। कोई दिक्कत है? क्वेश्चन पूछा जाए फर्स्ट अभी नहीं पूछा जाता है, लेकिन पूछ दिया जाता है जिन लोगों का एग्रीकल्चर सब्जेक्ट होगा उसमें पूछ दिया जाता है, फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल कौन? डॉग। फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल कौन? डॉग। कोई दिक्कत है मेरे बच्चों? मैक्सिमम क्रेनियल कैपेसिटी पूरे ह्यूमन इवोल्यूशन में किसका? क्रो-मैग्नन का। कोई दिक्कत है मेरे बच्चों समझने में एग्रीकल्चर किधर से स्टार्टेड हुआ? होमो सेपियंस सेपियंस। कॉलोनी बना करके रहना किधर से शुरू हुआ? होमो सेपियंस सेपियंस। मेरे बच्चों किसी को कोई दिक्कत है क्या समझने में? बोलिए बोलिए, आप हाथ उठा रहे हैं, नरमता के बगल में जो है हाथ। चलिए, कोई दिक्कत है क्या समझने में? अगर किसी का नाम ले ले तो मने मने गाली देना शुरू कर दे। एडिक्ट, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे इतना अभी मान लीजिए कोई कमेंट में 4,000 गाली लिखेगा तो हमको क्या फर्क पड़ना? अगर इस सब चीजों पे हम अगर मान लीजिए ध्यान देने लग जाएंगे तो कभी आगे बढ़ पाएंगे? नहीं बढ़ेंगे, है कि नहीं? तो आपको क्या करना है मेरे बच्चों, किसी भी फील्ड में, हम आपको बता रहे हैं इसी में नहीं, सब फील्ड में आपको परेशानी आएगी। और अगर आप मेरे बच्चों परेशानी को लेकर के चलिएगा तो फिर आगे नहीं बढ़ पाइएगा। कल जो एक वीडियो डाले थे उसमें बताए थे ना, बाज पे जो रेवन रहता है उसको लगता है मारेंगे बाज को, बाज हमारे चोंच के प्रहार से मर जाएगा, समझ रहे हैं? बाज कुछ नहीं करता, बाज अपना उड़ान जारी रखता है और उसको यहाँ से 12 किलोमीटर ऊपर ले जाता, समझ रहे हैं? और उसके बाद उस ऊंचाई पर इस रेवन को ऑक्सीजन ऑक्सीजन का पूरा दिक्कत होने लगता है, वहां से उल्टे वो गिरता, समझ रहे हैं ना? तो आप अपना उड़ान जारी रखिए, गाली देने वाले को इधर बैठाइए, उल्टा पुल्टा बोलने वाले को इधर बैठाइए, लेकर के सीधे ऊपर चले जाइए, समझे कि नहीं? तो नीचे अपने आप वो गिर जाएंगे। और मेरे बच्चों पॉइंट इसमें और पॉइंट सीखने का भी है, समझ रहे हैं ना? अगर लोगों के बातों से आप प्रभावित होने लग गए तो बहुत आगे नहीं जा पाइएगा, समझ रहे हैं ना? तो मेरे बच्चों अब हम लोग आगे की ओर चल रहे हैं, इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को भी डिस्कस करेंगे, है कि नहीं? और अगर किसी का कोई दिक्कत रह जाएगा तो उसको मेरे बच्चों क्लियर कीजिएगा। तो इससे सुनिए, इससे रिलेटेड हम लोग नीट के क्वेश्चंस को भी देखेंगे। ये क्वेश्चंस कहीं भी रिपीट हो सकता, बोर्ड में भी रिपीट हो सकता है, किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम को भी दीजिएगा तो भी रिपीट हो सकता। तो मेरे बच्चों सबसे पहले हम लोग जो है वो आगे चलेंगे और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को पॉइंट मेरे बच्चों कुछ क्वेश्चंस का देखना है और पॉइंट्स को देखेंगे, और अगर कोई दिक्कत रहेगा तो उसको क्लियर कर लेंगे। तो मेरे बच्चों सबसे पहले हम लोगों को क्वेश्चंस देखना है, क्वेश्चंस किस तरह का, बात मत कीजिए, समझ रहे हैं ना? बात करने से डिस्टर्बेंस होता है, समझ रहे हैं? तो सबसे पहले हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। ये आपका नीट 2020 का क्वेश्चन है, देखिए, हल्ला मत कीजिए,
आपके बोलने से डिस्टरबेंस होता है, अब पीछे बैठा हुआ लड़का मुस्कुराता है, अब पापा इसके मैसेज करते रहते हैं, अब मुस्कुराने का कोई वजह है? चलिए मेरे बच्चों, तो इतना भी तो बोल दो मुस्कुराने की वजह तुम हो। चलो मेरे बच्चों, तो सबसे पहले तो लिखिए यहां पर आफ्टर, सुनिए क्वेश्चंस यहां पर, क्वेश्चंस यहां पर मेरे बच्चों, पहला क्वेश्चंस 2020 का देखेंगे आफ्टर, ओए हल्ला मत कीजिए, आंसर जिसका आएगा बताइएगा, आफ्टर रुक जाइए, आफ्टर हाउ मेनी इयर्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अर्थ लाइफ अपीयर्ड ऑन दिस प्लेनेट। मेरे बच्चों, ओए हल्ला नहीं, तो सबसे पहले मेरे बच्चों इसका आंसर क्या होगा बोलिए, ए कितने लोगों का है, बी कितने लोगों का है, सी कितने लोगों का है? मेरे बच्चों ये आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है? तो इसका जो आंसर होगा वो 500 मिलियन ईयर्स होगा। कोई दिक्कत है मेरे बच्चों? तो आफ्टर अबाउट हाउ मेनी ईयर्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, समझ रहे हैं ना, दी लाइफ अपीयर्ड ऑन दिस प्लेनेट, तो मेरे बच्चों 500 मिलियन ईयर्स अगो के बाद। यूनिवर्स का फॉर्मेशन कब हुआ? 20, हाँ समझ रहे हैं ना। तो मेरे बच्चों हम लोग आगे की ओर चलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या कह रहा है इसको देखेंगे, और क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे पूछा भी जाता है। ये मेरे बच्चों नीट 2020 का क्वेश्चन आप देख रहे हैं, एवरेज 2 से 3 क्वेश्चन रहता है इस चैप्टर से, ठीक है ना। तो इसमें कह रहा है फ्रॉम हीज एक्सपेरिमेंट्स एसएल मिलर प्रोड्यूस अमीनो एसिड, हल्ला मत कीजिएगा, बाय मिक्सिंग द फॉलोइंग इन ए क्लोज्ड फ्लास्क, क्या आंसर होगा, ठीक है ना। तो मेरे बच्चों मेरे बच्चों फ्रॉम हीज एक्सपेरिमेंट इवोल्यूशन पढ़ा, मॉडर्न डे मैन है, तो बंदर और तुमड़े में क्या अंतर है रे। फ्रॉम हीज एक्सपेरिमेंट एसएल मिलर प्रोड्यूस्ड अमीनो एसिड बाय मिक्सिंग दी फॉलोइंग इन ए क्लोज्ड फ्लास्क, तो इसमें CH3H2NH4 एंड वाटर वेपर है, दूसरा है CH4H2NH3 एंड वाटर वेपर, तीसरा है मेरे बच्चों CH3H2NH3 एंड वाटर वेपर, और दूसरा चौथा है CH4H2NH3 एंड वाटर वेपर एट 800 डिग्री सेल्सियस। तो मेरे बच्चों टेम्परेचर्स भी याद रखिएगा, दो ऑप्शन सेम हो रहा है, बी और डी, लेकिन टेम्परेचर सुनिए आप क्या आंसर होगा आपके पीछे, हाँ क्या आंसर होगा, खड़े हो जाइए, अरे आराध्या के पीछे जो है, बी, इसका आंसर बी है, डी कितने लोग हैं, डी, चलिए मेरे बच्चों तो CH4H2NH3 एंड वाटर वेपर एट 1800 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो मेरे बच्चों इस पॉइंट को लिख रहे हैं, तो पीछे से बैठ करके इसमें कमेंट कर रहा है, पूछ रहा शादी कब कर रहे हैं। चलिए मेरे बच्चों इस पॉइंट को डिस्कस कर लिए, कोई दिक्कत है, अरे कोई दिक्कत है, तो इस पॉइंट को मेरे बच्चों क्या आंसर होगा, डी। उसके बाद सुनिए नेक्स्ट क्वेश्चंस मेरे बच्चों यहां पर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसको देखिए, ये आपका 2016 का क्वेश्चन है, Phase 1 Phase 2 करके हुआ था। तो लिखा है इसमें फॉलोइंग आर दी टू स्टेटमेंट रिगार्डिंग दी ओरिजिन ऑफ लाइफ, ओरिजिन ऑफ लाइफ,
तो इसमें मेरे बच्चों सुनिए तो अभी स्टेटमेंट बोले कहां द अर्लीस्ट ऑर्गेनिज्म दैट अपीयर्ड ऑन अर्थ वेयर नॉन ग्रीन एंड प्रिजम्बली एन एरोब्स. ठीक है, ये स्टेटमेंट आपको क्या लग रहा, सही की गलत? क्या सही लग रहा है? और दूसरा मेरे बच्चों, द फर्स्ट ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म वेयर दी कीमो ऑटोट्रॉप्स दैट नेवर रिलीज्ड ऑक्सीजन. ये स्टेटमेंट क्या लग रहा, क्या लग रहा है मेरे बच्चों? सही लग रहा है. क्या लग रहा है? सही. तो मेरे बच्चों इसमें दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है. दोनों स्टेटमेंट मेरे बच्चों क्या है, सही है. तो आंसर, हाँ आंसर क्या होगा मेरे बच्चों? बोथ वन एंड टू आर करेक्ट. किसी को कोई दिक्कत है मेरे बच्चों समझने में? अरे बोलिए ना. नेक्स्ट क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे फोर्थ नंबर के क्वेश्चंस में. और फोर्थ नंबर का क्वेश्चन समझिए. अब यहां पर पूरा थियरी जो हम लोग ओरिजिन एंड इवोल्यूशन में पढ़े हैं कि कौन पहले आया कौन बाद में आया, उस सब का अप्लाई होगा. समझ रहे हैं? कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन द ओरिजिन ऑफ लाइफ. अरे भाई डीबी मत कीजिए, पहले क्वेश्चंस को पढ़िए ध्यान से. पहला कह रहा है फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोबायोन. दूसरा कह रहा है सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक मोनोमर. फिर कह रहा है मेरे बच्चों सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक पॉलीमर. और डी कह रहा है मेरे बच्चों फॉर्मेशन ऑफ डीएनए बेस्ड जेनेटिक सिस्टम. तो मेरे बच्चों एक एक करके सबसे पहले क्या होगा, पहले मोनोमर बनेगा. क्या होगा मेरे बच्चों? मोनोमर बनेगा. किसी को कोई दिक्कत है क्या? तो सबसे पहले सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक मोनोमर. दूसरा मेरे बच्चों सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक पॉलीमर. ओए और मेरे बच्चों उसके बाद देखिए फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोबायोन. और लास्ट में मेरे बच्चों फॉर्मेशन ऑफ डीएनए बे जेनेटिक सिस्टम. ये क्वेश्चन लिखिए, हल्ला मत कीजिए. क्वेश्चन लिखिए ये वाला, हल्ला मत कीजिए. क्वेश्चंस लिखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है मेरे बच्चों. चलिए ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है मेरे बच्चों. अरे ये नॉइज कैंसिलेशन का मैक है, आपका कोई हल्ला इसमें नहीं जाएगा, परेशान मत होइए. कल जो भी वीडियो में कमेंट किया कि बहुत हल्ला हो रहा है वो यहीं का कोई लड़का था. ये नॉइज कैंसिलेशन इसमें आवाज जाएगा ही नहीं, बगल से बैंड बाजा जाएगा तो भी आवाज नहीं जाएगा. चलिए मेरे बच्चों, ओए चलिए, ओए 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 हल्ला नहीं. क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चंस लिखिए मेरे बच्चों. ओए वो देख लिए हम. आप जानते नहीं है ना, तो जल्दी से इसको सोचिए. मेरे बच्चों इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है, समझ रहे हैं ना? हम चार पांच आपको करवाएं ये समझाने के लिए कि क्वेश्चन इस टाइप का होता है. गलत मत लिखिए पांडे, मार खा जाइएगा. छोड़ दीजिए, अभी समझाए हैं. लिखने वाले को लिखने दीजिए, आप अपना काम करते रहिए. कौन है भाई? चलिए
तो क्वेश्चंस को हम लोग देखे समझे, सबसे पहले क्या आएगा? ऑर्गेनिक मोनोमर। अरे देखे थे पहले क्या था? एटम। फिर क्या बना था? मॉलिक्यूल। सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। फिर क्या आया था? प्रोटोबायोन। तो मेरे बच्चों वही तो है, सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक मोनोमर पॉलीमर, फिर फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोबायोन, फिर मेरे बच्चों फॉर्मेशन ऑफ डीएनए बेस जेनेटिक सिस्टम। तो सेकेंड थर्ड अगेन है फर्स्ट फोर्थ। कोई दिक्कत है किसी को समझने में? पूरी तरह से हम लोग क्वेश्चंस को देख चुके हैं, कहीं पर किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगा। जो क्वेश्चन मेरे बच्चों रह गया है उसको हम लोग बाद में वीडियो से डिस्कस कर लेंगे। कल से हम लोग न्यू चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, है कि नहीं? ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। आपका पूरी तरह से 7 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, रिवीजन कंटिन्यू रखिए।